कि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें, हमारे बच्चों का विशेष तौर पर। और मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है वो आपका युवा हो, जितने भी युवा हैं ये मेरे लिए सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, और चाहे विभिन्न क्षेत्र में समाज के नए नए क्षेत्र में रोजगार की सेवा कर रहे हैं वो लोग हैं। और युवा जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत एक जवान देश है, हमारा बहुत पुराना लोकतंत्र है, परंतु हम एक नौजवान देश है। वो नौजवान देश इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे नौजवानों की जनसंख्या बहुत अच्छी संख्या में है, और भारत के नौजवानों से ही आज हमारी ताकत, आज जो हमारी फौज है, आज जो हमारी सेना है, वो आप नौजवानों से बनी है। इन्हीं स्कूलों से, इसी मिट्टी में से निकल करके, यहीं से जो लोग गए, बच्चे गए, उन्होंने अलग अलग जा करके समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम किया, और भारत के संविधान के बनने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद, थोड़े दिनों बाद हमारा आज़ादी का पर्व भी मनाएंगे, 1947 हमारी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो हमारे नौजवानों ने आगे आकर के इस देश के लिए काम किया, वो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आप सब लोगों के बीच में आने का इसलिए इच्छा होती है कि साहब ये फौज की ट्रेनिंग के लिए दौड़ रहे हैं लड़के, कोई पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं। मुझे बड़ा लगा कि इन बच्चों को आपके लिए कुछ कर सकूं, तो मैंने एक सोच विचार रखा, उसके बारे में मैं बहुत गहनता से विचार कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परम पिता परमेश्वर मुझे पूरी शक्ति देंगे कि मैं इस पूरे इलाके में हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक रनिंग ट्रैक बना सकूं, ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा रेसिंग ट्रैक बन सके। और मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं स्वस्थ रहें और देश की सेवा करने के लिए फिट रहे एकदम, और क्योंकि आज की तारीख में फिटनेस का बहुत महत्व है, और अगर आप लोगों को माहौल मिलेगा, एक मिनी स्टेडियम तक करेगा हम चीज बनाए, जिससे कि हम आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज बना के दें। स्कूल बहुत बन रहे हैं, स्कूलों में बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे आपके स्कूल में भी प्रार्थना स्थल ये रामगंज हम खड़े हैं, इसके ऊपर आरसीसी करने का काम, उसके अलावा भी विज्ञान संकाय का ये मैदान जैसा मुझे दिख रहा है, इसकी जरूरत है कि इसका नक्लीकरण किया जाए। आपके जो गांव के सभी लोग आप लोग मिलजुल करके तय कर लें कि इस जगह को करना है, क्या करना है, परंतु इसका नक्लीकरण करके इसका पूर्ण उपयोग करें। विद्यालयों को जो जमीनें मिली हुई है, मैं और कहना चाहूँगा जो प्रिंसिपल साहिबान, हेडमास्टर साहिबान और जो भी शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं, और ख़ासतौर पर जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, कि आप लोगों को जो सरकारें जमीन देती है, तो जमीन का रख रखाव करना, उस जमीन को सुरक्षित रखना। हम लालची हो सकते हैं, मैं लालची हो सकता हूँ कि मैं जमीन पर कब्जा करना चाहता हूँ, और ये गांव वालों का काम है, और खास तौर पे इस विद्यालय के लोगों का काम है कि हम उन जमीनों को सुरक्षित रखें। वो जमीनें सरकार ने जो दी है इन बच्चों के नाम पर दी, अपनी आने वाली पीढ़ी को देख के दी है, तो इन सारी जमीनों को सुरक्षित रखना है। जो जो शिक्षा के लिए दिया गया है उसका संपूर्ण उपयोग करना है, और इस तरह का किसी भी तरह का कोई कब्जा होगा, नाजायज अतिक्रमण होगा।